खबर छतरपुर से है, जहां नारायणपुरा मार्ग पर भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में मंडल अध्यक्ष बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही ओरछा रोड थाना में भी मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घायल मुकेश शर्मा ने बताया कि वो भाजपा किसान मोर्चा के महेबा मंडल अध्यक्ष है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। और संतोष शर्मा है जो हमारे गांव की, और उनकी लड़का नरेश शर्मा, अंतिम शर्मा और सचिन शर्मा, चारों लोग चुनाव की वजह से रंजस मानती थी। वह कट्टर कांग्रेस ही रहे और हम भाजपा ही रहे, तो बस चुनावी रंजस को मानते हुए हम उसे बुराई मानते थे। और सुबह से वो हमारी CID लगाती थी, कहाँ जा रहे जी जी। तो बात सुनने मैं रिलायंस पेट्रोल पंप पर जा रहा था, मुस्कान वो कौन सा मेरे हाउस है, नहीं नारायणपुर रोड पर वो मेरे हाउस ना अशोक का, उस मेरे हाउस सेमली के पास वो 4 लोग वहीं खड़े थे। एक CID लगा था, उन लोगों ने डंडा लेकर भागे, गाली दी, हमारे सर में कुल्हाड़ी मार दी और हाथ में डंडे मार दिए। रात में एक ही परिवार के 2 सदस्यों के बीच में झगड़ा हुआ था, फरियादी का नाम है मुकेश शर्मा, इनके द्वारा अस्पताल में रिपोर्ट की गई थी, इनकी रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध योजना।